नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु चंदेल। उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व स्पीकर और देहरादून जिले की कैंट विधानसभा से बीजेपी विधायक हरबंस कपूर का निधन हो गया है। वो पिछले 8 बार से लगातार विधायकी जीत रहे थे। कपूर उत्तराखंड में बीजेपी के सबसे वरिष्ठ विधायकों में से एक थे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को उनके जाने से एक बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक की वजह से विधायक कपूर की मौत हुई है। आपको बता दें, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 8 बार के विधायक हरबंस कपूर का निधन हो गया। उनके निधन से बीजेपी और प्रदेश की राजनीति गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेताओं ने शोक जताया है। हरबंस कपूर पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। वहीं सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि आज प्रातः पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त होते ही उनके आवास पर पहुंचा और श्रद्धांजलि दी। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी विधायक के आवास पहुंचकर परिजनों को ढाढ़स बंधाया। हरबंस कपूर बीजेपी के बेहद सहज और शालीन नेता थे। उनकी आम जनता के बीच अच्छी पकड़ थी। जनता की समस्याओं को लेकर वो हमेशा सजग रहते थे। आपको बता दें, हरबंस कपूर का जन्म 7 जनवरी 1946 में हुआ था। 2007 से 2012 तक वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। हरबंस कपूर कुल 9 बार विधायक का चुनाव लड़े, जिसमें से वो सिर्फ एक बार 1985 में चुनाव हारे थे। उसके बाद वो कभी भी चुनाव नहीं हारे। उत्तराखंड राज्य गठन से पहले हरबंस कपूर 4 बार यूपी से विधायक रहे। यूपी सरकार में वो राज्य मंत्री भी रहे। तब उनके पास श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।